सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमारा रूम और आप देख सकते हो कचोरा लेके कजन बैठा हुआ है। कजन जे खालिन, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा मजा आ रहा है? यार, बहुत मजा आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये सामने अपर कचोरा लेक, अभी हमने खोला नहीं है, ये खिड़की से बाहर ही दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग अगर देख रहे हो तो नज़ारा आ रहा होगा हल्की पुल्की। तो इट्स अमेजिंग लवली। अभी हम थोड़ी देर में बाहर भी जाएंगे, रात को भी दिखाएंगे, सुबह को भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, खाना आ रहा है। अली भाई, और आपका नाम सर? सर नाम क्या है? नाराज़ है हमसे सर, आप नाराज़ हो हमसे? इधर नहीं देख रहे हो सर? यार ऐसा नाराज़ नहीं करो यार हमें। तो अली भाई हमारे लिए खाना लेके आ गए। इसी के साथ पीछे आप नज़ारा चेक कर सकते हो। तो ये है हमारा कढ़ाई, कढ़ाई के साथ नान है ना, नान है यहाँ, चपाती है और पानी। कुछ भी नहीं चाहिए यार इस ठंड में, मौसम में क्या कोक, हम खुद कोक हो जाएंगे इस वजह से। जो खाना वाना तैयार हो गया, सो अभी टेस्ट करके बताता हूँ डियर फ्रेंड्स कैसा है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम बस खाना अपने लिए डाल लें, बिस्मिल्लाह करते हैं, तनावल फरमाते हैं, कैसा बना है चेक करके टेस्ट आप लोगों को बता देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कजन को मजा नहीं आ रहा शायद। ये तकरीबन 1200-1300 रुपये का बन जाता है। अगर आपको खाना हो तो आओ एंजॉय करो। इसी के साथ कजन दिखाना बाहर, यू इधर से जाओ उधर से, मैं जो खाना खा रहा हूँ वहां से। कचूरा लाजमी आते हैं, सही। लेकिन यहाँ पे रोड का थोड़ा इशू है, पैदल चलना पड़ता है। बाकी मतलब ये जगह आपने जो देखा ये खूबसूरती है सर, इसमें यहाँ पे फिशिंग होता है, बोटिंग होता है और कैंपिंग होता है और हाइकिंग तो है ही है, क्योंकि रास्ते में आपको हाइकिंग ही होता है। सही है। और फिर आपको यहाँ पे आके आपको क्या फील होती है आप ये बता सकते हैं सर? सही है। तो फिर हमें तो बहुत ज़बरदस्त लगा, यहाँ पे बोटिंग का भी सिस्टम था, ट्राउट फिश वगैरह जो बता रहे थे वो भी मौजूद है यहाँ पर। तो इनका ये रिजॉर्ट बना हुआ है, थोड़ा सा अगर कैमरामैन साहब दिखा दे तो ये ज़बरदस्त व्यू आपको नज़र आएगा। तो ये इनका रिजॉर्ट है, यहाँ पर आपको बहुत ही व्यू जो है कचोरा लेक का जो व्यू है, मेन व्यू आपको वहाँ रूम से नज़र आ रहा होगा बाहर की तरफ, और नीचे रिजॉर्ट है आप देख सकते हो। और नाइट के टाइम पे यहाँ पे जो रिजोर्ट होता है और भी खूबसूरत होता जी, है। बिल्कुल, यहाँ पे नाइट में बोन फायर होता है सर, बोन फायर वगैरह से लाइव बारबेक्यू होता है ना। माशाल्लाह तो ज़बरदस्त हो गया। फिर इंशाल्लाह आपको नाइट टाइम में हम लोग आपको सही तरीके से इस जगह को आपको दिखाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपका नाम सर? नुमान। और आपका नाम बिलाल? सर
तो ये लोग अभी अपने फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए थे बल्दिस्तान। तो नॉर्दर्न एरिया का जो एंड पॉइंट है बल्दिस्तान ही पड़ता है, तो आप लोगों को पता है। तो सर आप लोग यहाँ पे आए तो कहाँ कहाँ जगह, कौन कौन सी जगह आप लोग घूमे और कैसा लगा, कौन सी जगह सबसे पसंदीदा आपको लगा? बेसिकली हम लोग आ रहे हैं अस्तोर वाली साइड से, अस्तोर साइड से, अस्तोर से, बट हम अस्तोर रुके नहीं है, देवसाई रुके हैं, देवसाई के मैदान वगैरह देखे हैं। अच्छा, नेशनल पार्क आपने देख लिया? हाँ, नेशनल पार्क देखा, बहुत खूबसूरत प्लेस है वो। अच्छा, एंड सबसे बुरी चीज़ ये इस जगह की कि एक जब मेन रोड बंद है तो वो रोड बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि इंसान अक जाता है, अक जाता है। सबसे पहले टूरिस्ट के लिए कुछ इनको सहूलियत प्रोवाइड करनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। उसके अलावा जब वहाँ से हम आते हैं, देवसाई के मैदान बहुत प्यारे हैं, वहाँ पे जब हम देखते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, वैसी खूबसूरती पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ। अस्तोर आपको अच्छा लगा? देवसाई वही ना, अस्तोर में आता वो सारा। देवसाई बहुत खूबसूरत जगह है। देवसाई से हम जब इधर आए हैं, इधर आके हम बेसिकली अभी शंग्रीला रिजॉर्ट गए थे। सही, शंग्रीला रिजॉर्ट में बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वो उन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ सारा, बट वो बहुत खूबसूरत है, मतलब एक डिफरेंट चीज़ मिलती है आपको, न्यू लुक मिलता है देखने को। सही, वहाँ पे आप बेसिकली अपनी रिहाइश वगैरह रखें, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आर्मी बेस कैंप भी है, जुडिशियल के लिए भी वहाँ पे कैंप बने हुए, तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो शेर को आप रिलेट करते हो अगर इस नॉर्दर्न एरिया के साथ, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? स्कर्दू का डिफरेंस करें किसी के साथ? स्कर्दू का अगर डिफरेंस हम किसके साथ करेंगे, हर चीज़ की एक अपनी ब्यूटी है। जैसे गिलगित जाएं तो गिलगित की एक अपनी खूबसूरती है, ठीक है। अगर सवाद जाएं, कुमराट जाएं या हमजा जाएं, ये डिफरेंट खूबसूरती है, हर साइड कोई एक दूसरे से मैच नहीं करती। हर साइड पे डिफरेंट लेक्स हैं, डिफरेंट खूबसूरती है, डिफरेंट लोग हैं, आपको डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सही, डिफरेंट लोगों से आपको पता चलता है कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं इस साइड पे। तो यहाँ के जो लोग हैं आपको पसंद आए? तो लोग टूरिस्ट हैं, टूरिज्म करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं, कोई इन एरियाज में आए, पर ये पता करके लाजमी अगर स्कर्दू आना चाहते हैं कि रोड ओपन है या नहीं। मेन रोड जो आता है अगर वो ओपन है तो इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, बदतमीजी नहीं है, शोधापन नहीं है बेसिकली, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं रास्ते बताने में, हर चीज़ में दो नंबरी है, झूठ फ्रॉड नहीं करते। नगर साइड पे भी आए, जो हमजा साइड है वहाँ पर भी आए, तो हम वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड कोशिश है भाई ट्राउट फिश निकालने के लिए, सब दुआ करो भाई। नीचे दिखाओ थोड़ा सा यार, एक फिश अंडर डाल दो यार, इसके अंदर एक फिश डाल दो। अबे यार फंस गए, निकालेंगे फंस के। इनका गियर का थोड़ा मसला कर रहा है ये जो बोट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रिवर्स करो, रिवर्स उल्टा गियर में मारो। यार इसने तो ऐसे वैसे उठा। तो ये है भाई ट्राउट फिश, जो कि 1 kg तकरीबन 3,000-4,000 रुपये का किलो मिलता है। ये बहुत मुश्किल से अभी पकड़ा है हमने, अभी ये लड़के पकड़ रहे हैं नीचे, जो कि अपर कचोरा लेक से। आपको बताया था ट्राउट फिश है, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ का, तो ट्राउट फिश आपको दिखा दिया, फिर बोर्डिंग भी दिखाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे बोन फायर भी आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा है, चलो खुदा।
ये फ्रेंड्स हम आगे यहाँ पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, पत्थर के ऊपर, यहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं इंट्रो दूंगा आप लोगों को इस जगह, आप चेक करके बता दें। तो ये है You see the beauty, lovely, amazing view of Kachura Lake, Gilgit, Pakistan. So, आपको मैं दिखाता चलूँ और देखते जाओ। तो ये है भाई सीनरी यहाँ की, खूबसूरती, beauty, amazing view। इसी के साथ तो ये पत्थर है बीच में, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे बोर्डिंग भी हो रही है, फिशिंग वगैरह है, बोर्ड जा रहे हैं लोग। डियर फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 9:27, तो अभी रात का खाना हमारे लिए पेश कर दिया गया है। तो हमने अंडा उटाला बोलते हैं, अंडा उटाला बनाया है और उसके साथ माश का दाल है, आप लोगों के सामने है। तो अभी बस खाने लगे हैं और कज़न, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाह फ्री है टिश्यू, तो ये रहा। बिस्मिल्लाह करो कदम। ये डाल दिया मैंने खाना अपने लिए, तो बस ये देसी रोटी है, चिक्की का आटा, तो इसके साथ खाने में सही होता है क्योंकि हाइट है यहाँ पर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं।